नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। आगरा उत्तर प्रदेश में युवती और परिजनों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। धारा 269 और 270 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। कोरोना वायरस से पीड़िता को परिजनों द्वारा छुपाने पर दर्ज हुआ मुकदमा। स्वास्थ्य विभाग की टीम को युवती और परिवार के लोगों ने किया था गुमराह। आगरा कैंट रेलवे कॉलोनी की महिला इटली से हनीमून मनाकर लौटी थी। बेंगलोर में पति के पॉजिटिव होने की पुष्टि होने पर मायके लौटी थी पीड़िता। डॉक्टर की तहरीर पर हुआ मुकदमा दर्ज। जिलाधिकारी के आदेश पर थाना सदर में दर्ज हुआ मुकदमा। आगरा से राशिद हुसैन की रिपोर्ट। मुकदमा दर्ज हुआ है आईपीसी की धारा 269 270 में। क्या है सर पूरा मामला, क्या है, कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए, एक पेशेंट जो जिस पे डाउट था कि इसको कोरोना वायरस से संक्रमित है, तो जब उसको ढूंढने का प्रयास किया गया तो उसके पिता ने बताया कि ये यहाँ नहीं है, कहीं दूसरी जगह चली गई है। तो बाद में पता चला वो वहीं पर है। इनके द्वारा भ्रामक सूचना दी गई, इस पर प्रशासन की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है थाना सदर, इसमें अब विधि कार्रवाई की जाएगी। किन धाराओं में सर ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है? सर आरोपी कौन है इसमें? देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 269 और 270 में अभियोग पंजीकृत किया गया है, और इसमें जो पीड़िता है उसके पिता इसमें आरोपी हैं, इनके खिलाफ विधि कार्रवाई की जाएगी। थाना सदर बाजार पर तहरीर प्राप्त हो गई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। तहरीर किसके द्वारा दी गई? डॉक्टर साहब के द्वारा जो है एक तहरीर थाने स्थानीय पे दी गई है और आगे की कार्रवाई उसी के आधार। सर, आगे भी अगर कोई इस तरह की हरकत करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, आप ये समझे कि ये जनहित में आवश्यक है कि अगर कोई व्यक्ति है वो सेल्फ कंटेन करे ताकि यह बीमारी जो है अन्य लोगों तक ना फैले। ये सभी की जिम्मेदारी भी है और कोई अगर इस चीज़ की अवहेलना करता है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।